बिहार पुलिस ने लूट की घटना को 48 घंटे अंदर किया खुलासा। जहां बिहार के बक्सर जिले के औद्योगिक थाना अंतर्गत घटित लूटकांड की सूचना पर बक्सर पुलिस की त्वरित कार्रवाई 48 घंटे के अंदर घटना में संलिप्त 3 अभियुक्त की गिरफ्तारी के साथ लूटी गई मोटरसाइकिल को भी बरामद कर लिया है। लूट की घटना हुई है औद्योगिक थाना क्षेत्र में दिनांक 21 नवंबर में। बेसिकली हम लोगों को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति है जिनके साथ में लूट की घटना जो है उसको कायद किया गया और उनकी मोटरसाइकिल जो है उनसे हथियार के बल पर छीन ली गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हम लोगों ने तुरंत इसमें त्वरित रूप से एक्शन लिया और SHO इंडस्ट्रियल जो अपनी टीम के साथ में भी निकल गए। तकनीकी रूप से भी इसमें अनुसंधान करने के लिए उन्होंने तकनीकी हमारे जो टीम है DIU की टीम है उनसे भी संपर्क स्थापित किया। इसमें कई जगह का CCTV का भी अवलोकन किया गया एवं मानवीय रूप से भी इंटेलिजेंस गैदर की गई। जब हम लोगों ने इसमें और हम लोग डिटेल में अनुसंधान में हम लोग आगे बढ़े तो ये तीन लोग जो थे जिन्होंने अपराध किया था इनकी बेसिकली इनकी जो लोकेशन है वो सिमरी एरिया में पाई गई और हम लोगों ने इन्हें वहाँ पर मानवीय जो सूचना है उसके आधार पर तीनों को वहाँ पर गिरफ्तार किया और वहाँ से इनके पास से जो है लूटी गई जो मोटरसाइकिल थी वो भी बरामद कर ली गई है एवं इनके पास से एक इमिटेशन फायर आर्म जो है वो भी इनके पास से प्राप्त किया गया है और उसको भी हमने सीज किया है। इसके अलावा मोबाइल भी जो है इनके पास से बरामद किए गए हैं। ये तीनों लोग जो हैं पहले से इनका आपराधिक इतिहास रहा है। इसमें की जो चंदन कुमार है वो 2 बार जेल जा चुका है, 1 बार मुरार थाना से वो छिनतई के केस में जेल गया था। इसके अलावा इंडस्ट्रियल थाना से वो शराब के ही केस में जेल गया था। इसके अलावा जो दूसरा व्यक्ति है अजीत कुमार वो भी शराब के केस में है जो पहले से जेल जा चुका है एवं जो गोलू कुमार यादव है उसका भी जो आपराधिक इतिहास है वो खंगाला जा रहा है। इसमें भी पूरे कांड में जो समय देखा जाए तो एक तो रिकवरी से लेकर अपराधियों की गिरफ्तारी तक जो पूरा कार्रवाई हुई है वो काफ़ी तेजी से हुई है, उसमें अच्छा उद्भेदन हुआ है। इस संबंध में भी जो थाना प्रभारी हैं जो टीम के अन्य मेंबर्स हैं उनके उनको रिपोर्ट दिए जाए।